कल शुक्रवार था और कल रेड सर लाइव आए थे और उन्होंने बहुत ही एक्साइटिंग अपडेट हम सब लोगों को दी। जी हाँ, कल बहुत ही एक्साइटिंग अपडेट। खास तौर से उन्होंने ओ वेरीफाई के बारे में बताया। इसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लगा वो था हमारा रिवॉर्ड के बारे में। उन्होंने रिवॉर्ड के बारे में कुछ बताया। इसके अलावा ओ कनेक्ट के बारे में भी बहुत कुछ बताया। और खास तौर से लास्ट में जाते जाते उन्होंने एक चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि ऑन पैसिव स्पेशली उन लोगों के लिए है जहां पर बहुत सारे लोग जो मार्केटिंग करना नहीं जानते हैं लेकिन वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कमाना चाहते हैं, पैसे अर्न करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग बहुत कुछ उन्होंने उसके बारे में बताया। तो आज इस वीडियो के अंदर दो तीन पॉइंट हैं, एक तो ओ वेरीफाई और एक रिवॉर्ड और कुछ और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिससे कि आपको सही सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। और जो बची हुई इन्फॉर्मेशन है वो हम किसी दूसरी वीडियो के अंदर जो है डिस्कशन करने वाले हैं क्योंकि हर एक पॉइंट टू पॉइंट कल उन्होंने बात की है और वो सारी की सारी अपडेट बहुत ही एक्साइटिंग अपडेट रही है। दोस्तों, मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप जुड़े हुए मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे जितने भी ग्लोबल लीडर्स हैं इन सभी के लाइव सेशंस को आप जरूर सुना करिए। सबसे पहले उन्होंने बताया कि बैक ऑफिस में जो डिलेन सर ने एक मैसेज डाला था और आप सब लोगों ने वो पढ़ा भी होगा, एंड लव यू ब्रदर करके उनकी लास्ट लाइन है और इसके रिगार्डिंग मैंने कल रात को एक वीडियो भी बनाई थी। वो आप मैसेज जरूर पढ़ें क्योंकि उसमें बहुत सारी एक फीलिंग छुपी हुई है। ओके, दुबई में जीटेक्स ग्लोबल जो प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए बहुत ही ज्यादा रेड सर एक्साइटेड हैं और उसमें एक दो दिन ही बाकी रह गए हैं क्योंकि यहाँ पर जो स्टार्टअप है जीटेक्स ग्लोबल का, ये एक वर्ल्ड लेवल का स्टार्टअप है और यहाँ पे जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी की सारी आईटी सेक्टर की ही कंपनियां हैं और 5 दिन की पूरी तैयारी के साथ ये प्रोग्राम चलने वाला है। मोहम्मद नजाल सर के बारे में उन्होंने बताया कि वो समय समय पे हमें ट्विटर के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वहां पे क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा उन्होंने 360 के बारे में भी बहुत सारी चीजें बताई जो कि एस उफारे सर ने 360 के बारे में जो अपडेट में बहुत सारी अपडेट दी थी। और यहाँ पर एक चीज को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि करप्शन को खत्म करने के लिए जो है ऑन पैसे आ रही है क्योंकि जिस तरीके से ये करप्शन हुआ है आपको पता ही है, तो इस तरीके से और भी बहुत सारे करप्शन को दूर करने के लिए जो है ऑन पैसे यहाँ पे आ रही है एंड जिन लोगों ने अपना विड्रॉल लगाया था उनका भी इसी वजह से रुका हुआ है, चाहे वो बैंक के माध्यम से लगाया हो चाहे वो आपने फिर अपना क्रिप्टो के माध्यम से लगाया हो। जी हाँ, वो इसीलिए रुका हुआ है एंड आने वाले टाइम के अंदर ये पूरी तरीके से सेट हो जाएगा और जैसे ही ये सारा का सारा इश्यू खत्म होगा तो हम सब लोगों ने जो विड्रॉल लगाए हुए हैं वो सब हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं ओ वेरीफाई को लेकर के। जी हाँ, ओ वेरीफाई के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही एक्साइटिंग अपडेट जो उन्होंने दी है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि ओ वेरीफाई जल्दी हमारे ओईएस के अंदर दिखाई दे जाएगा। हो सकता है कि मे बी कुछ ही दिनों के अंदर या अगले एक हफ्ते के अंदर या कुछ भी जो भी दिन लग सकते हैं क्योंकि आईटी फील्ड है अपना और इसमें कोई भी डेट एंड टाइम जो है निश्चित नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ही जल्द अब दिखाई दे जाएगा। यह एक B2B प्रोडक्ट होगा और इसको हम रीसेल भी कर पाएंगे, हम इसको यूज भी कर पाएंगे और रीसेल भी कर पाएंगे और इससे कमीशन भी जनरेट होगा। इससे कमीशन जो जनरेट होगा लेकिन उससे पहले आपको इसको खरीदना भी पड़ेगा रीसेल करने से पहले। तो ये हम सब लोगों को पता है कि हमें जैसे ही हमारे पास ये ओ वेरीफाई आएगा तो हमें इसका जो 10 क्रेडिट्स है वो भी हमें जरूर मिलने वाला है और उसके बाद जब हम इसको खरीद लेंगे उसके बाद हम इसको रीसेल भी कर पाएंगे। लेकिन हम इसको यूज करने के लिए अपने खुद को वेरीफाई करने के लिए उसको खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसको रीसेल करने के लिए हमें इसको खरीदना पड़ेगा जिससे कि उसकी भी एक लिंक क्रिएट हो जाएगी। सबसे पहले हम सबको वेरीफाई होना पड़ेगा, एक ब्लू टिक यहां पर लग जाएगा और ये ब्लू टिक शो करेगा कि हम 100% वेरीफाई हो चुके हैं। एक ब्लू टिक लग जाएगा। रियल पर्सन की पहचान हमेशा इसी प्रकार से ही होगी, जब तक आपके वेरिफिकेशन के बाद ब्लू टिक नहीं लगेगा तब तक आप एक रियल पर्सन नहीं माने जाएंगे और तब तक आपका वेरिफिकेशन भी पूरा नहीं माना जाएगा। वेरिफिकेशन प्रोसेस की एक टाइम लिमिट होगी, वेरिफिकेशन कैसे करना है और इसकी जो डिटेल्स है या इसकी जो पूरी ट्रेनिंग है वो हम सब लोगों को मिल जाएगी। तो इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है हम सब लोगों के लिए कि जैसे ही हम अपने आप को वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपको और हमको एक टाइम लिमिट के अंदर ही हमें वो वेरीफाई करना पड़ेगा। तो टाइम आउट होते ही हमें फिर से वही प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ेगी और इसके लिए मैं आपको एक सजेशन और देना चाहूंगा
कि हमारी इनकम को सॉरी हमारी जो वेरिफिकेशन है इसको वेरीफाई करने के जो है अलग अलग तरीके भी होंगे यहाँ पे, जो कि हमें उसी रियल टाइम में पता चल जाएंगे, जैसे फोटो खींचना एंड पैन कार्ड को लेकर के या आईडी प्रूफ को लेकर के फोटो खींचना एंड फेस स्कैनर को लेकर के, इस टाइप के अलग अलग तरीके होंगे वहां पे। तो इसमें आपको ट्रेनिंग पहले दी जाएगी और इसमें मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब तक हम सब लोग उसको अच्छी तरीके से सीख ना लें, अच्छी तरीके से जान ना लें, पहचान ना लें, अच्छी तरीके से ट्रेनिंग ना ले लें, तब तक हम अपने आप को वेरीफाई ना करें, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे से पूछ ना लें। ओके, हमारी इनकम को वेरीफाई करने के भी जो है यहां पर अलग अलग तरीके होंगे, हर देश के डॉक्यूमेंट अलग अलग होंगे, इसलिए पहले सीखना और फिर बाद में खुद को वेरीफाई करना है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था, अभी आपको खुद को पहले सीखना है और उसके बाद वेरीफाई करना है। हर व्यक्ति एक लीगल तरीके से ही यहां पर वेरीफाई होगा, बिल्कुल लीगल तरीके से, कोई भी यहाँ पे इलीगल प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। अगर आपका डॉक्यूमेंट सही तरीके से, अगर आपका वैलिड तरीके से नहीं होगा, तो वहां पे हो सकता है कि बहुत सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाइड नहीं है, ये डॉक्यूमेंट गलत है, ये डॉक्यूमेंट इलीगल है, ये डॉक्यूमेंट जो फेक है, चाहे भले ही आपका आधार कार्ड हो लेकिन वो फेक आधार कार्ड भी जो है पकड़ लेगा। तो इस तरीके से वहां पे बहुत सारी चीजें बिल्कुल रियल होंगी। अब बात करते हैं यहाँ पे रिवॉर्ड के बारे में। जी हाँ, रिवॉर्ड जो कि हम सब लोगों के लिए एक बेहतर चीज साबित होगी आने वाले टाइम के अंदर, और किसी अच्छे काम के लिए जब हम सब लोगों को रिवॉर्ड मिलता है तो हम सब लोगों का जो कॉन्फिडेंस होता है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यदि आप इस प्रोजेक्ट में विश्वास रखते हैं जिसे ऑन पैसिव हासिल करने की कोशिश कर रही है, तो आप 100% यहां पे दिल से जुड़े हुए हैं तो 100% आप यहां पर जो है आने वाले वक्त के अंदर यहां पर रिवॉर्ड पा सकते हैं, क्योंकि दिल से जुड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग कभी कभी ऐसे के कमेंट से नाराज भी हो जाते हैं, ऐसे लोगों की भी जो है यहाँ पे जरूरत है, और ऐसे लोगों का क्या होगा वो बाद में पता चलेगा। तो यहाँ पे रेड सर ने कुछ पॉइंट हम सब लोगों को बताए हैं जो कि हम लोगों को ध्यान से सुनना है और समझना है और उसको फॉलो करना है अगर आप एक रिवॉर्ड के हकदार बनना चाहते हैं तो, क्योंकि रिवॉर्ड चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी रिवॉर्ड हो, चाहे वो जरूरी नहीं कि पैसे का ही रिवॉर्ड हो, किसी भी टाइप का मान सम्मान भी एक रिवॉर्ड ही होता है, कोई किसी भी टाइप का कोई भी रिवॉर्ड हो वो आपको यहाँ पे चाहिए। तो आपको कुछ चीजें रेड सर ने बताई उनको फॉलो करना है। नंबर वन, यदि आप ऑन पैसिव से एंगेज हैं, यदि आप हेल्पफुल हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, कंटिन्यू आप अपना ओईएस हमेशा लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन ओईएस के अंदर बहुत सारे जो अभी ओ कनेक्ट है, ओ ट्रैकर है, ओ मेल है एंड ओ नेट है, इनको भी आप लगातार यूज करते रहिए, इन पे भी आप क्लिक करते रहिए, एंड इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं ओईएस के अंदर, इनको भी आप लगातार यूज करते रहिए। तो यदि आप लगातार कंटिन्यू अपने ओईएस को ऑन कर रहे हैं, ओनेट पर लगातार अपना कोई कमेंट या पोस्ट कर रहे हैं, हर वेबिनार को सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं, उसको अटेंड कर रहे हैं, तो आप बहुत ही अच्छी जगह पर हैं। जी हाँ, तो आप बहुत ही अच्छी जगह पर हैं और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि कंपनी यह पूरी जल्द ही सुनिश्चित करने जा रही है कि यदि आप इन लोगों में से एक हैं तो आपको किसी भी प्रकार से पुरस्कृत किया जा सकता है, यानी आपको रिवॉर्ड दिया जा सकता है। तो इसमें से दो तीन चीजें, जो चार पांच चीजें रेड सर ने बताई हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटी आप लगातार करते रहिए, क्योंकि यही चीज होती है जो कि ऑन पैसिव को अच्छी लगती है, एस पुफारे सर को अच्छी लगती है, और यहीं पर ही पॉजिटिव लोगों की जरूरत होती है। तो आपको भी कभी पता नहीं किस प्रकार का और कब रिवॉर्ड हमें मिल जाए, एस सर की तरफ से या फिर किसी और तरफ की और कहीं किसी वजह से, तो आपको ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये चार पांच पॉइंट हैं जो आप हमेशा इनको फॉलो करते रहिए। सो ये थी राइट सर के द्वारा दी गई कुछ स्पेशल और एक्साइटिंग अपडेट, और आने वाले वक्त के अंदर, आने वाली वीडियो के अंदर कुछ और भी अपडेट हैं जो कि मैं आपको देता रहूंगा। तो यहाँ पे इसमें जो लास्ट वाला जो पॉइंट था रिवॉर्ड वाला, उसको आप ध्यान में रख करके अपना काम करिए, जिससे कि आप लोगों की भी जो एक छवि है या आप लोगों का भी जो एक प्रेजेंटेशन है वो एक अच्छी तरीके से ऑन पैसिव की नजरों में बना रहे और आपको भी जो है रिवॉर्ड जरूर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नई अपडेट के साथ। कुछ और भी बहुत सारी अपडेट बची हुई है जो कि कल रेड सर ने दी थी, वो भी हम किसी दूसरी वीडियो के अंदर जो है डिस्कशन जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वी आर सुनिट टू विन इट, एंड जीत हमेशा उसी की होती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है।